आज तो मतलब एकदम मन खुश हो गया। You said that you needed me. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है फ्राइडे। सबसे पहले तो गाइज हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी वीकेंड भी। फ्राइडे आते ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, तो आप लोगों को पता ही होगा। और आज का वेदर देखिए बहुत मस्त है, एकदम बहुत ज़्यादा धूप है एंड साथ ही साथ हल्की हल्की ठंडी हवा भी है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। धूप से इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और हवा भी है, तो चलो गुड। सो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो ट्राइपॉड नया वाला आया था उसको मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए। सो गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोगों को भी वो ट्राइपॉड से शूट किया हुआ वीडियो देख के अच्छा लगेगा। और हाँ गाइज, आज एक बहुत औसम रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ शाम को हम लोग एक जगह पे जाने वाले हैं। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक्साइटिंग होने वाला है। चेक करते रहिए वीडियो को, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। हाँ गाइज, कुकिंग के लिए जो सारे प्रिपरेशन था वो मैंने कर लिया ऑलरेडी। और हाँ, मैं एक औसम वाला मटन का रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए जितने भी चॉपिंग वगैरह है वो मैंने कर लिया है एंड साथ ही साथ जो मटन को मैरिनेट करना था वो भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी शूट करके रखा है मटन को कैसे मैंने मैरिनेट किया, तो वो अभी आप लोग देख लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 kg मटन लिया है और उसमें मैं 4 tablespoons योगर्ट ऐड कर रही हूँ। जितना मटन होगा उसके हिसाब से ही सारे मसाले या फिर सारे चीज़ों का क्वांटिटी आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 kg मटन के हिसाब से सब बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons ऐड करूँगी। आप चाहे तो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, देन 2 teaspoons हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर अपने तीखा कितना खा सकते हो उस हिसाब से ऐड करना है, मैंने बाद में और थोड़ा सा ऐड किया था। 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर एंड 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर। अभी मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी 4 tablespoons से लेके 5 tablespoons जितना, 2 teaspoon मीट मसाला। और उसके बाद सारे मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि बस कैसे भी मिक्स करके रख दिया, बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है। मिक्स करके इसको 1 hour से लेके 2 hours तक रखना है, मिनिमम 1 hour तो रखना है। उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा देर तक रख सके उतना ही अच्छा है। अभी एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 4-5 छोटी इलायची, 7-8 क्लोव लौंग, 2 बड़ा स्टिक का मैंने यहाँ पे सिनेमन लिया है, 2-3 रेड ड्राई रेड चिली और 2 तेज़पत्ता। हल्का सा जब ये भून जाए ना, देन मैं पूरा प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनियन लिया है, क्योंकि 1 kg मटन में मैंने 1 kg ही अनियन ऐड किया है। और अनियन को मैंने ऐसे स्लाइस किया है, थोड़ा मोटे मोटे स्लाइस कर लिया है। और इसको अभी अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन करके। और गाइज आप देख सकते हैं अभी प्याज कितना अच्छे से फ्राई हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे पूरा जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो ऐड कर दूंगी। और अभी प्याज के साथ मटन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करके मीडियम फ्लेम में ही इसको अच्छे से भूनना है। पहले ही लो फ्लेम मत करना, थोड़ा मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से भून लेना, एटलीस्ट 10-15 minutes। गाइज आप देख सकते हैं मटन ऑलमोस्ट आधा कुक हो गया है, और इतना जो पानी देख रहे हैं ना, ये मैंने पानी कोई भी ऐड नहीं किया है, सब कुछ मटन से ही पानी निकला। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जितना क्वांटिटी में मटन लिया ऑलमोस्ट उतना ही प्याज ऐड किया था, और दही भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किया था, तो इसलिए इतना ज़्यादा पानी निकला है। तो एक्स्ट्रा करके अलग से कुछ पानी ऐड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप
आप लोगों ने देखा मटन बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। एक्चुअली अगर आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत फटाफट बन जाता है, बट इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है। बट ये ऐसे स्लो कुक आप करेंगे ना, ऐसे किसी हांडी शेप के किसी बर्तन में, मतलब जो डीप हो थोड़ा वेसल, तो उसमें अगर आप बनाएंगे स्लोली कुक करेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऑलमोस्ट एक्चुअली 3 PM हो गया है। यस, थोड़ा आज टाइम लग रहा है, बट ठीक है, अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा हम टाइम लगा ही सकते हैं। सो गाइस, आप लोग अभी देख सकते हैं कि मटन ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने चेक भी कर लिया, मटन एकदम सॉफ्ट हो गया, गल गया, और अभी देख सकते हैं एकदम कलर भी परफेक्ट है। और अभी मटन में डालने के लिए मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो ये कि एक छोटा सा ये सब मेज जावित्री लिया और एकदम थोड़ा सा टुकड़ा जायफल लिया। जायफल कभी ज्यादा नहीं लेने का, उससे थोड़ा सा कड़वाहट आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके मैं इसको ऐसा जो होता है ना इसमें थोड़ा पीस लूंगी, हो जाएगा। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टोटल क्वांटिटी इसका आप समझ सकते हैं 1 kg मटन में मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड करूंगी। और उसके बाद ये मिक्स करके ढक के अगेन 10 मिनट्स कुक करना है। With these humble lacking everlasting ego. So guys, अब देख सकते हैं मटन, oh my god कितना अच्छा दिख रहा है ना। मैंने टेस्ट भी किया, टेस्ट भी awesome है। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? इवनिंग। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब हमारे फेवरेट एक जगह पे जा रहे हैं। आज फ्राइडे नाइट है, हम लोग जनरली फ्राइडेज को कहाँ जाते थे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा। मैं देखती हूँ कितनों को पता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए अभी निकल देंगे, मैं बाहर जाके आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। So guys, हम लोग निकल गए और हम लोग जा रहे हैं अभी मिलानो आइसक्रीम। यस, और ये वाला जो मिलानो आइसक्रीम है इंदिरा नगर में, मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ का जो टाइमिंग है ना वो 11 PM तक ही होता है और हम लोग निकले ये 10:30 PM को। तो होपफुली कि अभी खुला रहे हम लोग, मतलब पहुँचते। सो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ चीज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मिलानो आइसक्रीम जो है ना वो मतलब ऑथेंटिक जिलाटो यहाँ पे मिलता है। जिलाटो मतलब इटालियन आइसक्रीम होता है। और ये वाला आइसक्रीम स्टोर जो है इनका पार्टनरशिप कुछ इटली के किसी और के साथ भी है। और यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये है कि इटली से शेफ आके यहाँ के जो स्टाफ से उनको सिखाते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऑथेंटिक जिलाटो यहाँ पे मिलता है। एंड रियली मैंने और भी एक दो जगह का जिलाटो ट्राई किया था, बट इतना टेस्टी नहीं मिला था मुझे, मतलब नॉर्मल आइसक्रीम जैसा ही था। बट जिलाटो और नॉर्मल आइसक्रीम में ना थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मल आइसक्रीम तो सबको पता है कैसा होता है, थोड़ा आइसी आइसी टेक्सचर होता है, राइट। बट ये जो जिलाटो है आप लोग मतलब अगर खाएंगे ना तो मुंह में पिघल जाता है, ऐसा कोई आइसी टेक्सचर नहीं लगता है। और स्पेशली इन लोगों का सबसे अच्छा चीज है कि कोई भी मतलब जो सीजनल फ्रूट्स होता है ना वो फ्रूट का इन लोग आइसक्रीम बनाते हैं, और फ्रूट का आइसक्रीम सब लोग ही बनाते हैं, बट वो एकदम ही मतलब क्या बोलो आर्टिफिशियल होता है। नॉर्मल जो मिल्क से बनाते हैं, देन फ्रूट का थोड़ा बहुत पल्प में भी देते हैं, मेनली तो फ्लेवर्स होते हैं, बट यहाँ पे रियल फ्रूट
पल्प से बनता है, मतलब खा के ही पता चल जाएगा। और पहले शायद से कोची में इनका स्टोर्स है, और बैंगलोर में दो स्टोर है, एक है इंदिरा नगर में जो हम लोग ऑलवेज जाते हैं, और दूसरा है जयनगर में। जयनगर वाला स्टोर मैं कभी गई नहीं हूँ, बट दो स्टोर है, मतलब वहां पे एक्चुअली जयनगर वाला आई मीन किसी और का सुना था कि ट्राई किया, तो सेम ही है यार, अभी सेम ही तो होगा ना, सेम ही। हाँ तो चलिए गाइस, और इनका ना मतलब प्राइस रेंज भी ऐसा कुछ बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस रेंज ही है। मतलब एक छोटा कप 100 रुपीज का है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी वो कप में ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिंगल फ्लेवर ही आपको लेना पड़ेगा। तो ऑलवेज मैं क्या करती हूँ ना, दो फ्लेवर का मिक्सचर लेती हूँ, मेरा जो फेवरेट है वनीला एंड एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट, तो वो लेती हूँ, और हितेश का फेवरेट है कोई भी फ्रूटी फ्लेवर, स्पेशली मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, ये सारे उसको फेवरेट है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा है ना, आइसक्रीम जब खाओ तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों ऐसा ऑथेंटिक फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, बट गाइस बहुत टेस्टी होता है इसका आइसक्रीम। अगर आप बैंगलोर में है या आ रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी यहाँ पे एक बार जरूर ट्राई करना। और अभी फिलहाल ऑलमोस्ट पहुंच गए, जस्ट 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, आई होप के खुला मिले, क्योंकि अभी 3 मिनट बाकी है स्टोर को बंद होने में। सो चलिए गाइस चलते हैं, और आज फ्राइडे नाइट है, आपको मतलब देख के बिलीव ही नहीं होगा, रोड ऑलमोस्ट पूरा खाली था। मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिपिंग लिया है ना, कि रोड का तो पूरा खाली, गाड़ी कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, श्री कृष्णा टेम्पल रोड, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बैंगलोर है और फ्राइडे नाइट है। एनीवेज गाइस चलिए अभी चलते हैं। आई लूज माय सेल्फ रिस्ट्रेंट, आई थिंक वी डन, देन यू ऐड मोर पे। सो गाइज ये है मिलानो आइसक्रीम का स्टोर, और आप देख सकते हैं बैंगलोर पूरा खाली था, बट यहाँ पे काफी भीड़ है, और अंदर भी बैठ के भी खाने का जगह है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर भी काफी है, राइट साइड पे आप अगर देखेंगे ना तो अंदर भी काफी बड़ा है। तो हम लोग जब से कोविड का हुआ है तो उसके बाद से 2-3 बार ही आए, ये आई थिंक 3rd या 4th टाइम आ रहा है। Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. So guys, ye raha mera ice cream vanilla and extra dark, aur tumhara haan ye hai blueberry cheesecake and strawberry. Okay, mujhe laga sirf strawberry. इसका वही सबसे स्पेशलिटी है कि एकदम वो आइसी टेक्सचर का नहीं, आइसी टेक्सचर का इसमें अच्छा नहीं लगता गाइस, ये वाला बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आपको लगेगा कि मिल्क से ही बना हुआ है, और ये सब भी एकदम फ्रूट पल्प से ही बनता है। Oh, here you are, face to face in this trashy bar, another glass and I am going places, makes me laugh about the irony. तो हम लोग का आइसक्रीम खाना तो हो गया, अभी हम लोग आए हैं इधर ही एक पिज्जा का रेस्टोरेंट है ब्रिक अवेन बोल के, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, और पहले भी मैंने शेयर किया था, यहाँ पे हम लोग फिर से आए। सब कुछ अनप्लान्ड था, सिर्फ आइसक्रीम का ही प्लान था कि हाँ हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, उसके बाद ना मन का होता है ना कुछ पता नहीं कब क्या मन हो तो वैसे ही करते हैं, तो वही पिज्जा भी खा लिया, अच्छा ही लगा हम लोग को। और हाँ आज तो मतलब एकदम मन खुश हो गया हम दोनों का ही, तो अभी घर जा रहे हैं, सीधा घर जाके मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ।
घर पे आ गए। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, तभी जाके आप लोगों को मेरे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। इस वीडियो को मैं क्रिसमस ट्री के सामने एंड कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं क्रिसमस ट्री में मैंने सारी लाइट्स लगा दी। एक मल्टी कलर का लाइट लगा और दूसरा अब देखिए ऐसे स्टार शेप का भी एक लाइट लगा है। Like a cargo